गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर? ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड द रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स कहेंगे। All rational and irrational numbers forms the collection of all the real numbers। इस प्रकार से कह सकते हैं कि real number के अंतर्गत जितने rational number हों या irrational होंगे, सारे number collections को हम लोग real numbers कहते हैं। So every real number is either rational or irrational। इसलिए every real numbers, जितने रियल नंबर हैं, या तो रेशनल के फॉर्म में होंगे या इरेशनल के फॉर्म में होंगे। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव टॉट अबाउट दिस एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस रियल नंबर्स। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसके अंतर्गत अभी तक हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर का किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन सारे प्रॉपर्टीज हैं, इसी के आधार पर हमें एक्सरसाइज 1D सॉल्व करना है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ऐड 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2, इसे हमको ऐड करना है। सोल्यूशन 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2, रिमूव द ब्रैकेट्स, 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2, ग्रुपिंग दिस लाइक टर्म्स, दैट इज 2√3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में रखा प्लस ब्रैकेट माइनस 5√2 प्लस 2√2, सिंप्लीफाई किए 2√3 प्लस √3 इक्वल टू 3√3, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया माइनस 3√2, 3 इज टेकन एज कॉमन, सो इट बिकम्स 3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट कि सिंप्लीफाई 3 माइनस √11 ब्रैकेट 3 प्लस √11, 3 से हम लोग पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 11 से √11 से दोनों मल्टीप्लाई किए, तो 3 ब्रैकेट 3 प्लस √11 माइनस √11 ब्रैकेट 3 प्लस √11, 3 जा 9 प्लस 3√11 3√11 प्लस माइनस माइनस 3√11 प्लस माइनस माइनस √11 इनटू √11 इज इक्वल टू 11, प्लस माइनस कैंसिल किए, देयरफॉर 9 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, सिंप्लीफाई 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50, फर्स्ट फैक्टराइज दिस, तो 3√45 को फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर, 3 × 3 × 5 माइनस √125 अंडर रूट, √5 × √5 × √5 प्लस 200 का फैक्टराइज करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 5 × 5 माइनस 50 का फैक्टराइज करेंगे, 2 × 5 × 5, अब स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स पेयर से हम लोग एक सिलेक्ट करते हैं, तो 3 का पेयर है, यहाँ 5 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है, फिर 5 का पेयर है, फिर 5 का पेयर है, तो 3 × 3 रिमेनिंग बच जाएगा √5 माइनस पेयर से कहते हैं कि √5 को सिलेक्ट किए, अंडर √5 बचेगा प्लस 2 पेयर है और फिर 5 पेयर है, तो 2 × 5 रिमेनिंग बच जाएगा √2 माइनस पेयर से 5 सिलेक्ट किए तो 5√2 बचेगा, एडिंग दिस लाइक टर्म, 3 जा 9√5 माइनस 5√5, तो 9√5 माइनस 5√5 इज इक्वल टू 4√5,
टेन रूट टू माइनस फाइव रूट टू, तो टेन में से फाइव रूट माइनस करेंगे इक्वल टू प्लस फाइव रूट फाइव, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है कि हाउ वी रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन इज नंबर लाइन्स, कि यदि इरेशनल नंबर हैं तो अब उसको हम लोग नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इरेशनल नंबर को रियल नंबर नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस के लिए फर्स्ट क्लिट एक्स डैश ओ एक्स बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन टेकन एज दिस एक्स एक्सिस, एक्स 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 ओ एक्स डैश को हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं इसको ले लिए सपोज, एंड ओ बी दिस ओरिजन, सपोज कहता है कि ओ को हम लोग ओरिजन मान लिया, क्लिट ओ रिप्रेजेंट्स जीरो, इसको हम लोग जीरो वन टू जैसे स्केल में बना होता है मार्किंग, तो जीरो टू फोर यहाँ हम लोग टू यूनिट्स को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएं, वन भी कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं, थ्री में भी ले सकते हैं, यदि ज़्यादा नंबर को फाइंड आउट करना है तो ग्रेटर नंबर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक ओ ए इजकल टू टू यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग टू यूनिट्स कर लीजिए, एंड ड्रॉ ए बी इस ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसी को लिख दिए कि ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ बी सच दैट ए बी को कहता है अगेन हमें वी हैव टू फाइंड द रूट स्क्वायर रूट ऑफ एट, एट का हमको रिप्रेजेंट करना है, तो एट को देखते हैं कि किस नंबर को, जैसे हम लोग कहते हैं कि टू का स्क्वायर लेते हैं, टू का स्क्वायर है प्लस टू का स्क्वायर करते हैं, टू टू जब फोर प्लस टू टू जब फोर इजकल टू एट, तो एट आ गया, कि टू का स्क्वायर करेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको फोर आ जाएगा, इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हुए निकलते हैं। तो ओ ए एक कितना यूनिट है, टू यूनिट से, ए पॉइंट को सेंटर बनाते हुए फिर इस प्रकार से टू यूनिट्स का एक आर्क लिया, ए बी कट किया, ज्वाइन ओ टू बी, ओ बी को ज्वाइन कर लिया, देन ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, फॉर ओ ए बी दिस राइट एंगल ट्रेंगल, ओ बी द हाइपोटेनस, ओ इज द बेस एंड ए बी इज दिस परपेंडिकुलर, तो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम के एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर ओ बी इज दिस हाइपोटेनस, ओ इज द बेस एंड ए बी इज दिस परपेंडिकुलर, सो यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला ओ बी इजकल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी है, ए बी है, ए बी स्क्वायर, ओ ए कितना है टू यूनिट से, टू का स्क्वायर किए, ए बी कितना है टू, टू का स्क्वायर किए, टू टू जा फोर प्लस टू टू जा फोर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर प्लस फोर इजकल टू एट, इस प्रकार से फिर टेकिंग ए द सेंटर, ए आ गया कितना, ए आ गया कहता है कि रूट एट का टर्म आया, ए आया यहाँ ओ बी इक्वल टू रूट टेन, टेकिंग ए द सेंटर, टेकिंग एट द रेडियस ए बी इक्वल टू रूट एट एंड ड्रॉ द एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स एक्स ओ एक्स डैश एट पी, सो दिस इज नोन एज दिस इज कहते हैं कि रूट एट, यहाँ से आते एक रूट डिस्टेंस है, इस प्रकार से दस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट एट ऑन दिस रियल लाइन, इस प्रकार से हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि रिप्रेजेंट्स अंडर रूट ऑफ 10.5 ऑन दिस नंबर लाइन, कि यदि डेसिमल में दिया हुआ तब हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए सेम भी कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10.5 सेंटीमीटर, टेन सेंटी ए बी 10.5 सेंटीमीटर यूनिट्स का हम एक लाइन ड्रॉ किए, एंड एक्सटेंड इट टू सी, इसको हम लोग आगे को एक्सीड किए सच दैट, और इस प्रोसीडिंग लाइन में बी सी इजकल टू वन यूनिट्स कट किया, ए बी हमारा 10.5 है, इसमें वन यूनिट कटता है कि यहाँ से बी सी कट कर लिया,
टेक ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस बी सी। नेक्स्ट लाइन बच गया ए सी, ए सी को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे या बाइसेक्टर करता है कि वो पॉइंट पर मिट करती है, हैंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ इक्वल टू ओ ए, ड्रॉ एन सेमी सर्किल विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट सी। तो एक सेमी सर्किल यहाँ से ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ किए जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नाउ टेकिंग बी अदर सेंटर एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन विच इंटरसेक्ट ए सेमी सर्किल एट पॉइंट डी। इस डी से कहता है कि यहाँ पर डी पर इंटरसेक्ट करती है। अब इस डी पर इंटरसेक्ट करती है, इस बी डी को हम लोग रेडियस मानते हुए एक लाइन ड्रॉ कर इस आर्क ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन ए बी के बढ़ाए हुए पॉइंट से ई पॉइंट पर मीट करती है। सो बी ई देयरफॉर बी ई इक्वल टू बी डी, चूँकि इसके बी डी और बी इक्वल है और यह 10.5 ए रूट अंडर रूट ऑफ 10.5 यूनिट होती है। इस प्रकार से हम इरेशनल नंबर्स को रियल लाइन पर हम लोग दर्शा सकते हैं। इसी के आधार पर नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।